हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक, टेस्टी और करारी बर्न्ट एंड रोस्टेड मान धनिया की चटनी की रेसिपी को। तो मान धनिया, जिसे हम नागा धनिया के नाम से भी जानते हैं और भी इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे वाइल्ड कोरिएंडर भी कहते हैं या फिर मैक्सिकन कोरिएंडर। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। ये इम्प्रूव करता है डाइजेशन को, रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट में और मेंटेन करता है हेल्दी स्किन को। साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी चटनी को बनाना। तो इसकी चटनी को बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं कुछ पत्ते। तो ये मान धनिए के पत्ते हैं। तो ये इस तरह के लंबे पत्ते होते हैं और इसके जो एंड्स होते हैं ये हल्के से तीखे होते हैं, मतलब वेवी होते हैं। तो अब हम इसके जो रूट्स का पार्ट है उसे हम नाइफ से कट कर देंगे और जो पत्ते खराब होंगे उसे हम निकाल देंगे। तो इसी तरह से हम सारे पत्तों को साफ कर लेंगे। और अब हम इन पत्तों को अच्छी तरह से धोएंगे। तो 2 से 3 बार अब अच्छी तरह से इसे धो लें। तो अगर आपके यहाँ मान धनिया ना मिलता हो तो इसकी जगह में आप हरे धनिए की भी चटनी सेम इसी तरह से बना सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 4 हरी मिर्चें, तो इन्हें भी अच्छी तरह से मैं धो लूँगी। इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक जाली रखी है गैस के ऊपर, फ्लेम को लो कर दिया है और फिर इसके ऊपर हम रखेंगे टमाटर जो हमने लिए थे, 3 टमाटर, तीनों को हम रख देंगे गैस के ऊपर और इसके साथ ही हम रखेंगे 2 लहसुन। तो ये पूरे साबुत लहसुन हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट करके अगर आप चटनी बनाएंगे तो चटनी का स्वाद ही कुछ अलग आएगा। तो हरी मिर्चों को भी इसी तरह से हम साइड में रख देंगे। तो ध्यान रखें कि फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखें। जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तब आप इसके साइड को टर्न कर दें। तो सभी तरफ से इन्हें अच्छी तरह से आप रोस्ट कर लें। तो मिर्चें बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती हैं, इसलिए मैंने उन्हें अभी साइड में कर दिया है, वो रोस्ट हो चुकी हैं। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और जब ये हल्के से ठंडे हो जाएं, तब हम मिर्चों की स्टेम को रिमूव कर लेंगे। और टमाटर की भी स्किन को हम हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इजली हम रिमूव कर पा रहे हैं टमाटर की स्किन को। तो इसी तरह से आप बाकी के भी 2 टमाटर को छील लें।
अब हम लहसुन की कलियों को अलग कर लेंगे और इन्हें भी हम छील लेंगे। तो रोस्ट करने से लहसुन जो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और इसमें एक बर्न्ड फ्लेवर आएगा जो कि चटनी को बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देगा। तो अब सारी चीज़ों को मैंने रेडी कर लिया है। अब दूसरी तरफ मैंने सारे मान धनिये को एक ब्लेंडर में ऐड कर लिया है और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी रोस्ट किए हुए टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चों को और फिर इसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून के करीब नमक और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी। तो ब्लेंड होने के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये चटनी पीसी गई है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस चटनी का कलर कितना ही अच्छा आया है। तो ये राइस और दाल के साथ बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। अब इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैंने ऐड किया है 1 चम्मच भर कर मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम सरसों का तेल भी कहते हैं या फिर मीठा तेल। और फिर मैं ऐड कर रही हूँ नींबू का रस। और कुछ कटी हुई मिर्चों को भी इसमें ऐड कर देंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारी करारी और टेस्टी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी मान धनिये की एक और चटनी को। तो ये बहुत सिंपल वे में मैंने बनाई है। तो इसके लिए मैंने यहाँ मान धनिये को पहले से ही धो के रखा था। इसे मैं ऐड कर दूंगी ब्लेंडर में। और फिर इसमें मैं ऐड करूंगी लहसुन की कुछ कलियों को और हरी मिर्चों को। और फिर मैंने ऐड किया है 1/4 टीस्पून के करीब नमक और खूब सारा नींबू का रस। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और फिर हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो हमारी सिंपल, टेस्टी और करारी नागा धनिया की चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप दोनों चटनी की रेसिपी को घर पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये धनिया ना मिले तो आप इसकी जगह में हरा धनिया यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको दोनों चटनी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thanks for watching.